छोटी बहू रानी, बंसी भैया अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं छोटे बाबू अपना अंगूठा छुआएंगे भी कि नहीं। आप कब तक ऐसी भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? चलिए उठिए, कुछ खा लीजिए। नहीं चिंता, भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए, पर मैं व्रत अपने स्वामी के अंगूठे से छुए हुए पानी से ही तोड़ूंगी। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू का अंगूठा छुआ लाए, चिंता तू बहू रानी का व्रत तोड़। भूतनाथ बाबू, भूतनाथ बाबू बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है, कुछ दिन की बात है, फिर मैं दफ्तर आने लगूंगा। दफ्तर? किस दफ्तर की बात कर रहे हो तुम? जी मोहिनी सिंदूर के दफ्तर। भूतनाथ बाबू, मैं अब इस काम को बंद करने की सोच रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक ढोंग है, धोखा है, और मैं अब लोगों को और धोखा नहीं देना चाहता। मेरी आत्मा दुखती है। जी मैं समझा नहीं। मोहिनी सिंदूर के ढोंग को तो कोई भी नहीं समझ पाया भूतनाथ बाबू, इसीलिए तो ये इतना चल निकला है। दिन ब दिन इसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है, मगर अब मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूं। पिताजी आप जाइए, मैं इनके पास हूं। क्या बात है, बड़े विचलित दिखाई दे रहे हैं। सुविनय बाबू कह रहे थे कि मोहिनी सिंदूर का कारखाना बंद कर देंगे। तो आपको अपनी नौकरी जाने की फिक्र हो रही है? नहीं, वो कह रहे थे कि मोहिनी सिंदूर एक छल है। अब उनकी बातों का ख्याल ना करें, पिताजी आजकल ऐसे ही सोच रहे हैं। उनके हिसाब से ये कारोबार केवल ठगी लोगों के लिए है। अगर लोग खुद ही ठगने के लिए तैयार है तो इसमें हमारा क्या कसूर? अब देखो ये देश जादू टोना जंतर मंतर का है, इसमें और पूंजी लगाई जाए तो और मुनाफा। मतलब मोहिनी सिंदूर सचमुच धोखा है? अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं इतने विश्वास से छोटी बहू को सिंदूर ले जाकर नहीं देता। छोटी बहू? तुमसे कहा तो था मैंने, बड़े महल की छोटी बहू है। हाँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? उनके पति रात को घर नहीं आते, उन्हीं को बस में लाने के लिए सिंदूर ले जाकर दिया था। ऐसे क्या देख रही हो? एक बात बताओ, तुम्हारी इन छोटी बहू की उम्र क्या होगी? तुमसे कुछ बड़ी, मुझसे कुछ छोटी होगी। क्यों, क्या हुआ? छोटी बहू के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी, ये ठीक बात नहीं है। उन्हें तुमने देखा होता तो शायद ये बात नहीं कहती। जब तुम्हारी आंखों में उन्हें देखकर उनकी कल्पना तो कर सकती हूँ ना?
उन्हें देखे बिना कल्पना करना कठिन है। ओह, तो इसका मतलब बात काफी आगे तक बढ़ गई है। जवाब, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें क्या हो गया? जवा को अब कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? मुंह तो मैं छोटी बहू को भी नहीं दिखा सकता। कैसे कहूं उन्हें कि मोहिनी सिंदूर ना लगाए? छोटी बहू रानी, क्या बात है बंसी? बहू रानी, साले साहब का पता लग गया। क्या? मैंने अभी अभी यशोदा तुलाल से उसी के लिए प्रार्थना की थी। कहाँ है वो? ठीक तो है? छोटी बहू रानी, उनके साथ एक घटना हुई गई है जिसमें वो घायल हो गए। क्या? तुझे किसने बताया? वो अभिन मास्टर जी आए ना, उन्हीं से पता चला है। और यही पता चला है कि वो सुबनई बाबू के घर में है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, तू फौरन बघी लेके जा और उसे यहाँ ले वाला कह के छोटी बहू ने बुलाया। जा जल्दी। बंसी, उसे पहले हवेली लेकर मत आना। हाँ, बगी हवेली के पीछे लेकर आ और उसे सीधे चोर कमरे में पहुंचा दे। मैं चिंता से कहकर चोर कमरे की साफ सफाई करा देती हूँ। जा जल्दी। सुन, शायद वो तेरे कहने से ना आए। मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ। वाकई नीच हूं। मुझे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि जवा महज एक स्त्री नहीं, मेरी मालकिन भी है। भूतनाथ बाबू। हाँ रतन। कोई आदमी आपकी चिट्ठी लेकर आया है। चिट्ठी? कौन है? वो नीचे खड़ा है, आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। बड़े साहब ने कहा है अगर आप कहें तो उन्हें ऊपर बुला देता हूं। जरूर बंसी होगा, उन्हें भेज देना। ठीक। छोटी बहू, आज अभी बंसी से तुम्हारा समाचार मिला, अब कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुनकर बड़ी घबराहट हो रही है। बंसी को बग्घी लेकर भेज रही हूं, संभव हो तो आ ही जाना, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारी छोटी बहू। तुम्हारे लिए महज ये कागज का टुकड़ा हो, मगर मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। साले साहब। बंसी, ठीक हूँ बंसी, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है।
इतने कमजोर हो गए आप, शकल ही बदल गई है आपकी। आप बैठिए, आप बैठिए, आप तुम बैठो। अरे हम यहाँ बैठे ऊपर। ये बता, छोटी बहू मेरे लिए चिंतित थी? चिंतित और ऐसी वैसी, हमरे तो पीछे ही पड़ी रहती थी कि बंसी जा जाके भूतनाथ का पता कर कहाँ है वो। अपने पूजा में यशोदा दुलाल से आपकी कुशलता की प्रार्थना करती थी छोटी बहुरा। तुम सच कह रहे हो? सच्ची साले साहब, बहुत ढूंढा हम आपको, बहुत ढूंढा। वो तो भला हो मास्टर जी का, वो अचानक आज हमसे टकरा गए, तब कहीं जाके आपका पता चला। जीजा जी आए थे? आए थे, जल्दी जल्दी आए, फिर पता नहीं कहाँ जल्दी जल्दी चले गए। साले साहब, इतने दिन से आप हवेली में हैं नहीं, पता है आपको बहुत कुछ घट गया है हवेली में। क्या? वो सब नहीं, पहले आप हमको ये बताइए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं। भला छोटी बहू की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन पहले सुविनय बाबू से पूछना होगा। अच्छा ठीक है, हम आपको रास्ते में ना छोटी बहू रानी की नील बरस से लेकर चोरी गए कबूतर तक सब किस्सा सुनाएंगे। चलिए अब चल। जी, हवेली से मुझे लेने के लिए बग्गी आई है। मैं चाह रहा था हवेली चला जाऊं। अब तुम जाना चाहते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जवा बेटी से तो पूछते जाओ। जी। अरे रतन। जी मालिक। रतन, जवा बेटी को जाकर कहो कि भूतनाथ बाबू हवेली जाना चाहते हैं। अच्छा मालिक। जी रहने दीजिए, मैं खुद जाकर पूछाता हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।